बिहार के मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करना एक युवक को मांगा पड़ गया। महिला ने भरी पंचायत में युवक की चप्पल से पिटाई कर दी। बता दें कि पंचायत ने 50 चप्पल से ही पिटाई करने का फरमान सुनाया था। दरअसल मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात को एक महिला के घर में दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। महिला के शोर मचाने पर युवक भाग गया। ग्रामीणों ने इस पर पंचायत बुलाई। पंचायत में दोष साबित होने पर पंचों ने युवक को 50 चप्पल मारने का फरमान सुनाया। इसके बाद भरी पंचायत में पीड़िता ने युवक की चप्पल से पिटाई कर दी। पिटाई होता देख युवक भड़क गया और पीड़ित महिला से पंचायत में ही भिड़ गया। ग्रामीणों ने किसी तरह बीच बचाव कर दोनों को अलग थलग किया। इसको लेकर अभी तक किसी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं की है। वहीं पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला से पिटाई खा रहे युवक का नाम राजीव रंजन है, जो एक जनप्रतिनिधि का बेटा है। इसको लेकर सिटी एसपी मुजफ्फरपुर ने संज्ञान लिया है। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। वीडियो हम लोग के संज्ञान में है। डीएसपी ईस्ट को इस वीडियो का प्रॉपरली जांच करने का निर्देश दिया गया। जांचोपरांत यदि वीडियो सही पाया जाता है तो इसमें प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जाएगी। इसमें दोनों को मतलब कार्रवाई की जाएगी क्या? दोनों पंचायत में जो लोग हैं, बिल्कुल कानून अपने हाथ में लेने का जो काम वीडियो में जो दिख रहा है उस आलोक में उन पर कार्रवाई होगी।